हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने फिटनेस यूट्यूब चैनल एमके फिटनेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम रोप स्किपिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इजी स्टेप्स के अंदर रोप स्किपिंग को सीख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे कि आप अपनी रिस्ट की स्ट्रेंथ को और अपने फुट की स्ट्रेंथ को या अपने लेग्स की स्ट्रेंथ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि किस तरीके से आप रोप स्किपिंग को सीख सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आप किस तरीके से रोप स्किपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से स्किपिंग कर रहा हूं, तो दोस्तों इसी तरीके से आपको परफेक्ट फॉर्म में स्किपिंग को सीखना है। तो चलिए इसके प्रोग्रेशन की बात करें, फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप में आपको जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपकी रिस्ट की मूवमेंट हो रही है और किस तरीके से आपकी लेग की मूवमेंट हो रही है। रिस्ट की मूवमेंट के लिए आप बेसिक वार्म अप कर सकते हैं, अपने रिस्ट को रोटेशन कर सकते हैं, जिस तरीके से वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि इस तरीके से आप अपने रिस्ट को घुमा सकते हैं ताकि आपकी रिस्ट का एक अच्छा सा वार्म अप हो जाए और आप इस मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे रिस्ट मूवमेंट की, उस तरीके से आपकी रिस्ट में स्ट्रेंथ आएगी। दोस्तों, अगले स्टेप की बात करें तो अगले स्टेप में आपको जंपिंग सीखना है, आपको पंजों पे जंप करना है। हमने बचपन में स्किपिंग जरूर की है, पर हम यही गलती करते थे बचपन में कि हम अपने नीज को फोल्ड करके स्किप करते थे। फॉर्म के अंदर में आपको नीज को फोल्ड नहीं करना है और आपको अपने टो पे जंप करना है। तो जैसे जैसे आप टो पे जंप करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेंगे। अगले स्टेप में आपको स्टेप वन और स्टेप टू को कंबाइन करना है और ये देखना है कि किस तरीके से आप अपने आप को कंफर्टेबल बना पाते हैं रिस्ट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग और अपने लेग की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। आपको स्टैंडिंग में जंपिंग करना है अपने टो पे और साथ साथ में अपने रिस्ट की मूवमेंट को भी करना है। जिस तरीके से आप इस मूवमेंट में जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे प्रैक्टिस के साथ में, वैसे वैसे ही आपको स्किपिंग का एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको स्किपिंग करनी है। अगर आप कंफर्टेबल हो गए हैं इस मूवमेंट के अंदर में, स्टेप थ्री के अंदर में, तो आप स्टेप फोर की तरफ बढ़ सकते हैं। उस स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने नीज को स्ट्रेट करना है, अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है और आपको जंपिंग रोप से एक जंप लेके देखना है। दोस्तों, आपको एक सक्सेसफुल जंप की प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे जब आप एक जंप की प्रैक्टिस में कंफर्टेबल हो जाएंगे या एक जंप आप इजीली निकाल लेंगे स्ट्रेट लेग और टो पे, तो आपको सेकंड जंप की तरफ में बढ़ना है। इस बार टू स्किप करना है एक बार में। जब आप टू स्किप कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको मोमेंटम का पता लग जाएगा किस तरीके से आपको रिस्ट को मूवमेंट करना है और किस तरीके से आप उस रोप को अपने रिस्ट और लेग की मूवमेंट के साथ में एक इजीली निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए स्टेप फोर को। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते रहेंगे और आपकी बॉडी इस मूवमेंट में कंफर्टेबल हो जाएगी और धीरे धीरे आप स्किपिंग जरूर सीख जाएंगे। कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप रोप स्किपिंग को सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहें, कोई ना कोई वर्कआउट करते रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। गुड बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी एंड बे फिट। जय हिंद दोस्तों।